नमस्कार दोस्तों, मैं मोरिश कोहिकर आप सभी का एक बार फिर आपके चाहते नागपुर के नंबर वन ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल एसएस प्राइम पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं हमेशा की तरह एक बेहतरीन और अच्छे और प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी लेकर आया हूं। और इस प्रॉपर्टी के बारे में यदि मैं बात करूं तो दोस्तों, आज की तारीख में ये प्रॉपर्टी जो है पूरी तरह से कंप्लीट डेवलप हो चुकी है। एज पर एनएमआरडी रूल्स के अनुसार जिस तरह के डेवलपमेंट हमें चाहिए होते, वो सारे डेवलपमेंट यहाँ पे आपको देखने को आज की तारीख में करंट तारीख में आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हर प्लॉट के, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यहाँ के प्रॉपर्टी के हर प्लॉट के आरएल तक आ चुके। जय दोस्तों, आज की तारीख में ये प्रॉपर्टी पूरी रेडी टू यूज है। आप यहाँ पर अपना प्लॉट खरीद कर तुरंत मकान बनवा सकते हैं। साथ ही साथ आप इस प्रॉपर्टी को खरीदते तो विद इन 7 डेज टू 15 डेज के अंदर में आप अपना सेल डीड लगाकर अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकते हैं। रही बात दोस्तों यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात करें तो वर्धा रोड से काफी करीब आ जाती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस मेजरमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पे इस प्रॉपर्टी पर आप वर्धा रोड से पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर होटल लिमिटेड से एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड गई है 80 फीट की, वो रोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और इस प्रॉपर्टी की खासियत की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, तो आज की तारीख में प्रॉपर्टी पूरी तरह से कंप्लीट डेवलप हो चुकी है। जहाँ दोस्तों, ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से कंप्लीट डेवलप हो चुकी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, हर प्लॉट के, मतलब इस प्रॉपर्टी के हर प्लॉट के आरएल रेडी है। मतलब अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत आप विद इन 7 डेज या विद इन 15 डेज के अंदर में आप अपनी यहाँ पे सेल डीड लगा सकते हैं, तुरंत अपना मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कनेक्टिविटी की और नियर बाय लोकेलिटी की। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको नियर बाय लोकेलिटी में बसे हुए कुछ प्रोजेक्ट के बारे में अगर जानकारी दूँ तो सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है मिहान। जो दोस्तों, मिहान के एंट्रेंस गेट से बिल्कुल लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको होटल लिमिटेड, अगर आपने देखा होगा तो होटल लिमिटेड के बिल्कुल बैक साइड में प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये जो प्रॉपर्टी जिस लोकेशन में लोकेटेड है, जिस लोकेशन में बसी हुई है, इसे हम एक गांव में बसी हुई प्रॉपर्टी कह सकते हैं। मतलब इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल लगकर यहां पर आपको एक गांव देखने को मिल जाता है, जहां पर आज की तारीख में लगभग 250 से 300 लोग यहां पर रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसी गांव को लगकर आपको बैंक कॉलोनी मिल जाती है और एक अच्छा सारे वेल एजुकेटेड पर्सन रहते हैं, मतलब वेल एजुकेटेड फैमिली यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, भरी पूरी बस्ती में यहां पर आपको आज यहां पर प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है, मिलने वाली है। और दोस्तों, इस लेआउट के डेवलपमेंट के बारे में अभी हम जानते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये आपको 30 फीट की एक बड़ी रोड मिल जाती है और यहां पे अभी दोनों साइड में, मतलब रोड के दोनों साइड में यहां पर अभी पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे। मतलब आने वाले दिनों में आपके आपको पेवर ब्लॉक मिलेगा और उसी एंट्रेंस गेट पर आपको यहां पर एक बढ़िया डिजाइनर एक गेट मिल जाएगा। उसी के साथ दोस्तों, अगर यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर आपको गार्डन, या दोस्तों एक बड़ा गार्डन आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। इसी गार्डन में आपको ग्रीन जिम के सारे इक्विपमेंट लगाए जाएंगे, जॉगिंग ट्रैक दिया जाएगा बच्चों को खेलने कूदने के लिए। यहां पे आपको जो झूले और सारी चीजें जो होती है बच्चों के खेलने से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होती है, वो सारी चीजें यहां पे इंस्टॉल करके दी जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो काम है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक के पोल लग चुके हैं, तार की वायरिंग हो चुकी है। मतलब यहां पे आप देखना दिखाना चाहो तो यहां पे आपको जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जो वायरिंग होती है, मतलब कंप्लीट कनेक्शन जो है वो हो चुके हैं। खाली यहां पे अभी ट्रांसफार्मर लगाने की देरी है। मतलब ये पानी, बारिश का मौसम जैसे रुक जाएगा तो यहां पे ट्रांसफार्मर आपको लगाकर मिल जाएगा। दोस्तों, यहां पर अभी हम यहां पर अगर रोड के बिल्कुल साइड में देखेंगे तो यहां पर स्ट्रोम वाटर लाइन, जिसे हम कह सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो बरसाती पानी होता है उसको निकासी के लिए, यहां पर स्ट्रोम वाटर लाइन का यहां पे काम हो चुका है। और प्लॉट के बिल्कुल पीछे में अगर दोस्तों यहां पे देख सकते हैं वाइट बिल्कुल वो कंपाउंड को लगकर जो आपको सफेद कलर के चेंबर देख रहे हैं, ये है सीवेज चेंबर। मतलब यहां पे आपका जो गटर लाइन, हम जिसे कह सकते हो गटर लाइन, यहां पे आपको प्लॉट के बिल्कुल बैक साइड में मिल जाती है। तो दोस्तों, यहां पर अगर मैं कहूँ एज पर एनएमआरडी रूल्स के अनुसार तो सभी डेवलपमेंट आपको दिया जाएगा, जिसमें सीमेंट रोड, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी जरूरत चीजें होती है, वो सारी चीजें यहां पर आज की तारीख में कंप्लीट हो चुकी है। और रही बात दोस्तों यहां पे वाटर कनेक्शन का, तो वाटर कनेक्शन आपको अगर दिखाना चाहो तो यहाँ पर वाटर कनेक्शन की लाइन भी आ चुकी है। मतलब आप बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वाटर लाइन का वॉल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मतलब हर प्लॉट के सामने में वाटर लाइन का जो कनेक्शन है वो जा चुका है। मतलब यहाँ पे आप अपना मकान जब बनाओगे तो यहाँ पे आपके बिल्कुल प्लॉट के सामने में यहाँ पे आपको रेडी टू यूज वाटर लाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह की बेहतरीन और अच्छी प्रॉपर्टी जो रेडी टू यूज प्रॉपर्टी है, जहाँ पर आप अपना प्लॉट खरीद कर तुरंत मकान बनाकर रह सकते हैं।